आज मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ आपसे जॉब के हवाले से कि पीआर पे या जब आते हैं लोग तो जॉब कैसे ले सकते हैं कनाडा में, और ना कि सिर्फ आप अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी इसमें आपकी मदद करती है। वो कैसे मदद करती है कि देखें, दो तरह की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं कनाडा में, एक तो प्राइवेटली ओन है और एक गवर्नमेंट के थ्रू है। तो प्राइवेटली ओन में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है हमें कि हमको जो है उनको सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। मतलब जब आप जॉब लेते हैं प्राइवेटली ओन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू तो वो एज अ कमीशन आपकी सैलरी में से काटते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर ये लोग टेम्प्ररी बेसिस पे आपकी जॉब लगवाते हैं, मतलब 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई या 3 मंथ्स हो गई या 1 साल, फिर हर महीना आपकी सैलरी में से लोग सर्विस चार्ज काटते हैं, कुछ परसेंटेज होता है उनका। लेकिन जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका YMCA का, YMCA ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं होता, ना आपसे कोई किसी किस्म का ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं। इसमें करना सिर्फ आपने इतना है कि यहाँ आने के बाद लाजिमत है, पहला जो काम होता है पीआर पे आने वालों के लिए वो ये होता है कि जॉब कैसे तलाश की जाए और जल्द से जल्द जॉब लग जाए ताकि हमारे को डेली एक्सपेंडिचर जो है वो बियर कर सकें। तो आपने करना कुछ नहीं है, YMCA सेंटर, एम्प्लॉयमेंट सेंटर ये हर सिटी में है ओंटेरियो के ऑलमोस्ट, जैसे कि मार्कहम में हुआ और स्कारब्रो में भी है, मिसिसागा में भी है ये सेंटर। तो आपने आपको जाके वहाँ पे आपने एनरोल करवाना है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में सारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेसेस भी होंगे। तो आपने फ़ोन पे अपने आप को एनरोल करवाना है, इनको आपने इनसे आपने अपॉइंटमेंट लेना है एक दिन। जब आप अपनी रिज्यूमे और ID की कॉपीज लेके जाएंगे, कॉपी आपकी यूजुअली पासपोर्ट कॉपी होगी, जब नए नए आए हुए होते हैं तो ज़्यादा IDs मतलब हम लोग नहीं, या तो पासपोर्ट होता है या अगर PR कार्ड आ गया होगा आपका तो वो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पे भी एक मैं वीडियो बनाता हूँ कि वो कैसे लिया जाएगा आसानी से, ठीक है ना। एक काउंसलर्स होते हैं बहुत वहाँ पे बैठे हुए, तो किसी भी एक काउंसलर से आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। वहाँ जब आप जाएंगे आईडी और रिज्यूमे की कॉपी लेके तो वो आपका रिज्यूमे ठीक करेंगे एज़ पर योर फील्ड, जो भी आपकी फील्ड है, सेल्स मार्केटिंग या अकाउंटेंसी जो भी आपकी फील्ड है, और आपका अच्छा सा कवर लेटर भी बनाएंगे वो लोग। फिर आपका जो है वो इंट्रोडक्शन दूसरी प्राइवेटली कंपनीज से करवाते हैं, प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट, जहाँ पे भी वैकेंसीज आपकी फील्ड के हिसाब से वैकेंट हैं जॉब पोस्ट, तो वो आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं दूसरी कंपनीज़ में, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं और आपके इंटरव्यूज़ भी वो लोग करवाते हैं। ये है कि आपको फ्री इंग्लिश क्लासेस भी ये लोग कंडक्ट करते हैं, मतलब थोड़ी सी लाजिम बात है, हम जब आते हैं नए नए तो इंग्लिश भी बहुत से लोगों की वीक होती है, तो ये लोग फ्री इंग्लिश क्लासेस भी करवाते हैं और फ्री जॉब फेयर्स, जो भी जॉब फेयर्स होते हैं अब इतने नहीं हो रहे COVID-19 की वजह से, लेकिन अब वेबिनार्स हो रहे हैं, वर्चुअल जॉब फेयर्स हो रहे हैं, उसकी वीडियो एक मैं अलग बनाऊंगा एक और, कि आप कैसे अपने आप को इनरोल या रजिस्टर करवा सकते हैं जॉब वेबिनार्स के लिए और वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये लोग जो है फ्री वेबिनार्स करवाते हैं आपके, जहाँ पे भी वेबिनार होता है वो आपको उसका एड्रेस देते हैं या जो भी करते हैं, और फ्री इंग्लिश क्लासेस होती हैं और आपके इंटरव्यू स्किल्स ये लोग पॉलिश करते हैं कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है। क्योंकि हम लोग जब बैक होम से आते हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान से, तो वहाँ का थोड़ा सा वर्किंग एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट डिफरेंट है और यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर जगह का, तो ये लोग आपको जॉब स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, ये सारी सर्विसेज जो है YMCA में गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ओन है ये, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसको, तो जितनी सर्विसेज ये आपको देंगे, काउंसलर से मीटिंग, आपका रिज्यूमे ठीक करना, आपका जॉब स्किल बिल्ड करना और दूसरी कंपनी से आपका इंट्रोडक्शन करवाना, ये सारी सर्विसेज फ्री होंगी आपको। सिर्फ आपको अपनी ID की कॉपी ले जानी है और रजिस्टर करवाना है और
मतलब काफ़ी हेल्पफुल है ये जॉब सर्च करने में। जब आप नए नए आए हुए होते हैं तो लाजिम बात है हमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स और चाहिए होते हैं या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो एक छोटी सी टिप थी, हो सकता है आपके काम आए, और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं सारी देता हूँ आपको। और कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपको जॉब के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से, या और कोई क्वेरीज हैं आपको, सवालात हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मुझे कमेंट में लिखिए, तो फिर मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।